नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सूजी केक, जो बनाना बहुत आसान है, घर की उपलब्ध सामग्री में ही बनता है। तो इस तरह से सॉफ्ट और टेस्टी, जो मुंह में घुल जाने वाला सूजी केक बनाना अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम रवा केक बना रहे हैं। रवा केक बनाने के लिए मैंने सूजी या रवा लिया है, जो 0 नंबर का लेना चाहिए। अवेलेबल नहीं रहेगा तो मिक्सर में से निकाला, मेरा भी नहीं था तो मैंने थोड़ा सा मिक्सर में से घुमा दिया है, तो ये जो सूजी था वो बारीक हो गया है। अभी मैंने एक कटोरी मैंने सूजी लिया था, जो कटोरी से मैंने सूजी लिया था वही कटोरी से 1/4 कटोरी ले रही हूँ मैं पाउडर शुगर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैंने लिया है 1/2 कटोरी यानी 5 चम्मच लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं या फिर आप बटर भी यूज कर सकते हैं, तो मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद सबको अच्छे से पूरा मोयन की तरह से अच्छे से लगना चाहिए। थोड़ा सा मैं स्वादानुसार नमक डाल देती हूँ चुटकी भर, उससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। जो कटोरी से मैंने रवा लिया था या सूजी लिया था वही कटोरी से मुझे लेना है दही लेना है। मैंने लिया है 1/2 कटोरी दही लिया है। ये दही जो है ये मेरा घर का बना हुआ है और ये ज्यादा खट्टा नहीं है, तो ज्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। सारे इंग्रेडिएंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसके अंदर वैनिला एसेंस भी डाल देती हूँ। मिश्रण जो है मेरा काफी गाढ़ा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ। 1/2 कटोरी दूध लिया है मैंने, लेकिन जितना चाहिए उतना ही ऐड करो, थोड़ा थोड़ा ऐड करो। तो अभी इसको ऐड करके मैं अच्छे से मिला के, अभी ये टूटी फूटी है इसको थोड़ा सा, एक तो मैदे में नहीं तो आटे में इसको घोल के लो एकदम छोटा सा 1 चम्मच में, तो ये नीचे नहीं जमेगी। तो ये टूटी फूटी में मैं इसको ऐड कर देती हूँ और इसको 1/2 घंटे के लिए कवर करके रखती हूँ। ऐसा हो गया है, आप देख सकते हैं मेरा बैटर जो है काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें मैंने मैदे में जो कवर्ड की हुई टूटी फूटी है वो भी डाल देती हूँ। और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, ये भी डाल देती हूँ। ये डालते वक्त ध्यान में रखना है एक ही डायरेक्शन में आप घुमाना है या फिर इस तरह से कट दो। तो इस तरह से मैं अभी ये जो केक टिन है मेरा, इसको मैंने पहले तेल लगाया, ऊपर से मैदा या आटा कुछ भी डाल सकते हो और एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दो। आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर भी डाल सकते हो। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। 1/2 टिन हो गया है, ऊपर से मैं टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ। पहले 10 मिनट मैंने कढ़ाई रख दिया था और उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट डालने से जो हमारा हीट है वो इवनली स्प्रेड होता है। इवन सॉल्ट नहीं डालेंगे तो भी केक बेक होता है, लेकिन सॉल्ट डालेंगे तो और अच्छे से होता है। अभी मैं इसके अंदर और उसके ऊपर एक कुकर का चाली रख दिया। अभी मैं ये केक टिन को रख देती हूँ और 45 मिनट में अपना केक तैयार हो जाएगा। उसके पहले ही मैं 35 मिनट में एक बार पहले से चेक कर लूंगी। आफ्टर 45 मिनट आप देख सकते हैं मेरा केक एकदम तैयार है। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड कर देती हूँ। जब केक साइड से छूटने लगे उसका मतलब है कि आपका केक तैयार है। थोड़ा सा साइड से हम लोग इसको एक बार से इसको घुमा लेंगे पूरा और फिर इसको सुपर, आप देख सकते हैं कितना मस्त तैयार हो गया। अभी वो कितना स्पंजी भी हुआ है। एकदम स्पंजी, नरम और आसान केक तैयार हो गया है।
तो घर पे जरूर ट्राई कीजिए रवा केक या सूजी केक। थैंक यू।